सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी की जो स्टेनो की 2022 वाली वैकेंसीज हैं, इनमें फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। कट ऑफ अपडेटेड जो अभी लेटेस्ट वैकेंसीज आई है, फाइनल वैकेंसीज आई है एसएससी की तरफ से, उस बिहाफ पे अपडेटेड है। और मैंने एक लिस्ट कल ही तैयार कर ली थी, जो कुछ डाटा बचा कुचा था, जो ऑफिस में टाइम मिला, सो वो सब मैंने कलेक्ट करके उनके बिहाफ पे एनालिसिस करके जो बेस्ट टू बेस्ट कट ऑफ मेरे बिहाफ पे हो सकती थी वो मैंने तैयार किया है। और सेकंड चीज़ ये है कि परफेंस फॉर्म आपका कल या परसों में आ जाएगा, चांसेस कल के ही हैं, बाकी परसों तक लास्ट आ जाएगा। और थर्ड थिंग ये है कि ये कट ऑफ जो है वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। सो अगर किसी बच्चे के जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे एक दो नंबर कम है, तो उसमें ये वरी होने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो गया भाई मेरा तो नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप ये बोल रहे हैं कि पता नहीं इसने कैसे किया है, एनालिसिस कैसे नहीं किया है, हमारा तो इसमें आ ही नहीं रहा, मेरा तो इतने बढ़िया नंबर है, मेरा तो हो जाएगा। सो देखिए, बेस्ट कट ऑफ तो एसएससी निकालेगा और डाटा बिल्कुल वेरी कर सकता है, कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लोन मिलेगा, जो मैंने बताया वही आपका एसएससी का मिलेगा, ठीक है। सो मैंने आपके लिए पीडीएफ फाइल तैयार की है, और जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर कट ऑफ को देखने के लिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए, मैंने एक अपना एनालिसिस किस बिहाफ पे किया वो मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दे दिया यहाँ पे, किस किस बिहाफ पे मैंने एनालिसिस किया कट ऑफ का। सो सबसे पहले तो देखिए, दोनों कैटेगरी में, ग्रेड सी में भी और ग्रेड डी में भी, कुछ बच्चे अदर कैटेगरीज के ऐसे हैं जिनके नंबर यूआर से ज़्यादा आ रहे हैं, जो यूआर के हैं वो तो हैं ही, ठीक है, लेकिन अदर कैटेगरी के भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर यूआर के कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट भी यूआर में जाके फाइट करेंगे, उनको भी मैंने कंसिडर किया है कट ऑफ बनाते टाइम। दूसरी चीज़, स्किल टेस्ट में अटेंडेंस कितनी रही थी। और तीसरी चीज़, फाइनल वैकेंसी जो अभी एक दो दिन पहले जस्ट आई है एसएससी की तरफ से फाइनल वैकेंसी, उसको भी मैंने कंसिडर करके बनाई है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, ये राइट अप का रिजल्ट है स्टेनो का 2022 का, जो एसएससी ने निकाला था, ठीक है। इसमें ये ग्रेड सी की दी हुई है, इतनी इतनी कट ऑफ लगी हुई है, लेकिन इसमें नीचे नोट वन लिखा हुआ है। इसमें ये कह रहा है कि जो फलानी फलानी कैटेगरीज हैं, ये नंबर दिए गए हैं 776 कैंडिडेट एससी के, 99 एसटी के, 3510 ओबीसी के, फलाना फलाने नंबर दिए गए हैं, इतने बच्चों ने जो यूआर की कट ऑफ है ना 130, इतने या इससे ज़्यादा नंबर ले रखे हैं, तो ये सारे बच्चे भी यूआर में फ़ाइट करेंगे। सारे तो नहीं, मैक्सिमम करेंगे, क्योंकि यूआर में फ़ाइट करने के लिए स्किल भी आपका यूआर के हिसाब से क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। इनमें से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूआर में जाके फ़ाइट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम ग्रेड डी का राइटअप रिजल्ट देखें, तो इसमें भी नोट टू में सेम चीज़ लिख रखी है, ठीक है। इसमें देखिए, यूआर में 7486 कैंडिडेट पास किए हैं, ये तो है ही हैं, बाकी सारी कैटेगरी से भी इतने इतने नंबर निकाल लो, 3360 एससी से, 745 एसटी से, 10822 ओबीसी से, इन सब बच्चों ने जो यूआर की कट ऑफ है ना, इतने या इससे ज़्यादा नंबर ले रखे हैं, तो इनमें से भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो यूआर के साथ में फ़ाइट करेंगे, और अगर यूआर में ना हो पाए तो अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे। सो इस चीज़ को मैंने कंसिडर किया है। दूसरी चीज़ ये है कि अटेंडेंस कितनी रही थी स्किल टेस्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कट ऑफ के टाइम पे। ग्रेड सी में जो रिकॉर्ड आया है वो है 6113, हम इसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 6000 लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें लगा लीजिए, मान लीजिए अगर 3000 बच्चे भी पास कर जाते हैं ग्रेड सी का, 6000 में से 3000 बच्चे अगर ग्रेड सी का पास कर जाते हैं, वैकेंसी कितनी है 389, मैं 400 मान के चला राउंड ऑफ में, ठीक है। उनमें से 400 बच्चे तो सेलेक्ट हो जाएंगे ग्रेड सी के लिए, बाकी जो 2600 बच्चे वो ग्रेड डी में जाएंगे ना फाइट करने, क्योंकि जिन्होंने ग्रेड सी का किया है मैक्सिमम बच्चे ग्रेड डी का भी करेंगे। सो बाकी जो 2600 बच्चे वो ग्रेड डी में जाके फाइट करेंगे, ठीक है। और जो बच गए 3000 जिनसे ग्रेड सी का स्किल ही नहीं हो पाया था, उनमें से भी कुछ 1500 ऐसे होंगे ना जिन्होंने ग्रेड डी का कर दिया, सी का नहीं हो पाया लेकिन ग्रेड डी का कर दिया। सो इस हिसाब से ये मान के चलिए कि ग्रेड डी की कट ऑफ ठीक ठाक रहने वाली है, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। अगली जो चीज़ आती है फाइनल वैकेंसी, जो अभी दो दिन पहले आई थी, मैंने इसको भी कंसिडर किया है। ग्रेड सी में 389 एंड ग्रेड डी में 3571 है, इसको भी कंसिडर करके मैंने जो फाइनल जो मेरे बिहाफ पे बेस्ट बन सका, मैंने सब चीज़ें एनालिसिस करके पुराना डाटा भी मैंने देखा कितनी अटेंडेंस रही थी, किस हिसाब से आया था, ठीक है। और अभी का जो सिनेरियो चल रहा है अभी, वो सब चीज़ें एनालिसिस करके मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। इसके हिसाब से ग्रेड सी में देखिए, एक दो नंबर जो मैंने बता रखे हैं ना, इनसे ऊपर नीचे जा सकती है,
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेटी ही आएगी, एक तो नंबर का आराम से फ़र्क मिल जाएगा, हो सकता है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में ज़्यादा का भी फ़र्क मिल जाए। यूआर में जो रहेगी इसकी कट ऑफ 146 के आसपास रहेगी, ओबीसी में इसी से दो तीन नंबर कम लगा लीजिए 143 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 137, एससी में 132 के लमसम रहेगी, ठीक है, एसटी में 123 के आसपास रहेगी, 124 या 5 जा सकती है इसके आराम से, ठीक है। ये है ग्रेड सी की, ठीक, इसको फाइनल मत मान के चलिए, फाइनल एसएससी देगा, हमसे ज़्यादा एक्यूरेट डाटा और क्वांटिटी ऑफ डाटा एसएससी के पास अवेलेबल है, ठीक है। ये है ग्रेड डी की जो निकल के आई है, इसमें यूआर की आपकी जाएगी 130 के आसपास, ओबीसी की 128 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 127, एससी 120 और एसटी 107 के आसपास, इसमें एक दो नंबर आप ऊपर नीचे लगा सकते हैं। दूसरी बात रही, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि डीओपीटी की कितनी जा सकती है कट ऑफ, एमईए की कितनी जा सकती है। देखिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी जब आप लोग परफेंस फॉर्म भरोगे ना, कौन बच्चा कितने मार्क्स वाला किस डिपार्टमेंट को प्रियोरिटी देता है, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे के 175 प्लस हो और वो एमईए को कंसिडर करके लास्ट में चले कि मेरे को तो यार दिल्ली में चाहिए ही नहीं, एमईए को वो डाले लास्ट में। तो ये नहीं है कि एमईए की इस ब्याह पे बना दे कि हम इतने बच्चे थे इतने मार्क्स थे एवरेज और उस ब्याह पे जाएगी, वो आपका डिपेंड करेगा कि आप परफेंस बच्चे किस हिसाब से देते हैं किस डिपार्टमेंट को, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल कट ऑफ रहेगी वो आपकी इसी के लमसम रहेगी, और इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, और वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें।